ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਰੁਖ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ। 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਤਾਰਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜੱਸੀ ਤੱਲਨ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। गुरु रविदास टाइगर फोर्स के जस्सी तलन वालों यह मामला दर्ज करवाया गया। FIR की कॉपी भी तुहाड़ी टीवी स्क्रीन से तुम वेख पा रहे हो। धार्मिक भावना भड़काउण का यह मामला दर्ज किया गया। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम के खिलाफ, गुरु रविदास अते भगत कबीर के खिलाफ एतराज योग टिप्पणियां करन दा इल्जाम राम रहीम ते लग्या। 5 फरवरी ऑनलाइन सत्संग होया सी, उस दौरान जो टिप्पणियां राम रहीम ने कीतियां उसे नूं लैके धारा 295 ए दे तहत यानी कि धार्मिक भावनावां भड़काउण दे खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया। तो गुरमीत राम रहीम के खिलाफ यह मामला दर्ज करवाया गया है। धार्मिक भावनावां भड़काउण के इल्जाम गुरमीत राम रहीम ते लगे ने। जलंधर के थाने 295 ए दे तहत यह मामला दर्ज होया। गुरु रविदास टाइगर फोर्स के जस्सी तल्लन ने FIR दर्ज करवाई है। दस दिए तुहानू धार्मिक भावनावां भड़काउण के इल्जाम उस वेले लगे ने जदों गुरमीत राम रहीम पैरोल ते बाहर आया होया सी। ऑनलाइन सत्संग उस वेलों किया गया सी। गुरु रविदास अते भगत कबीर के खिलाफ इतराजयोग टिप्पणियां करन दे इल्जाम गुरमीत राम रहीम ते लगे ने। 5 फरवरी दी घटना दसी जाती है जदों ऑनलाइन सत्संग गुरमीत राम रहीम वालों किया गया सी। हालांकि दस दिए कि हुण तां गुरमीत राम रहीम की परोल खत्म हो चुकी है, मुड़ तो सुनियारिया जेल दे विच जा चुके गुरमीत राम रहीम, पर इतराजयोग टिप्पणियां अपने ऑनलाइन सत्संग दौरान कीतियां। यह इल्जाम गुरमीत राम रहीम ते लगे ने। इसे नूं लैके FIR की कॉपी भी तुहाडी टीवी स्क्रीन से तुसीं वेख पा रहे हो। जलंधर थाने दे विच गुरमीत राम रहीम के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। तो डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया। धारा 295 ए के तहत FIR दर्ज हुई है। गुरु रविदास अते भगत कबीर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करन दा इल्जाम जलंधर के थाने दे विच FIR दर्ज हुई है। ऐसे खबर से अपडेट लिए फिलहाल सीधा रुक करेंगे। साढ़े सहयोगी पत्रस इस वेल फोन लाइन से साढ़े जुड़ चुके हैं। जी पत्रस, जानना चाहेंगे तुहाडे कोलों की कुछ क्या गया इस FIR के विच, की कुछ इल्जाम लग रहे हैं राम रहीम के खिलाफ। देखो अमित, जी शिकायत दी गई थी थाना पटारा पुलिस को गुरु रविदास टाइगर फोर्स के वालों एक लिखित शिकायत दी गई थी कि डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम होर के वालों जो उन्हों का यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पर एक कथा सुनाई गई थी और उस कथा के श्री गुरु रविदास और भगत कबीर होर जी के बारे में गलत टिप्पणियां की गई। उन्होंने इतिहास जोड़ा है उन्होंने त्रोड़ मरोड़ के पेश किया गया था, जिसके नाल जो है भाईचारे दी भावनावां ठीक पहुंची और इस शिकायत के आधार उत्ते हम थाना पटारा के डेरा मुखी के खिलाफ 295 ए के तहत परचा जोड़ा है वह दर्ज कर लिया गया है और अगली भी कार्रवाई जी है हम इस मामले के पुलिस के वालों आरंभ की गई है। और यह आख्या जा रहा है कि जो यूट्यूब उत्ते जिस तरीके प्रचार किया जा रहा है श्री गुरु रविदास जी के बारे और कबीर होर के बारे जी टिप्पणियां की गई ने उस भावनावां नूं डाढ़ी खत वधी है, जिस करके डेरा मुखी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही थी। जी जी ठीक है, बेहद शुक्रिया पत्रस इस सारी खबर को साढ़े दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तां गुरमीत राम रहीम के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया, धारा 295 ए के तहत FIR दर्ज हुई है। एक और मुड़ तो अपने दर्शकों को दस दिए गुरमीत राम रहीम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। गुरु रविदास अते भगत कबीर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करन दा मामला धारा 295 ए के तहत मामला दर्ज किया गया जलंधर थाने के विच।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। एक बार मुड़ तो तुहानूं दस दईए गुरमीत राम रहीम के खिलाफ धार्मिक भावनावां भड़काउण दा मामला दर्ज किया गया है। जलंधर थाने दे विच गुरमीत राम रहीम के खिलाफ यह मामला दर्ज होया है। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम के खिलाफ यह मामला होया दर्ज। गुरु रविदास ते भगत कबीर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करन दा यह मामला है। 5 फरवरी ऑनलाइन सत्संग दौरान यह टिप्पणियां कीतियां गईआं सी। वेखना होगा कि हुण इहदे विच की कुछ कार्रवाई हुंदी है। हालांकि सुनारिया जेल दे विच पहले ही बंद है गुरमीत राम रहीम। तो गुरमीत राम रहीम के खिलाफ जलंधर थाने दे विच यह मामला दर्ज होया। वेखना होगा कि हुण इस दे विच अगे की हुंदा है, पर दस दईए सुनारिया जेल च पहला ही बंद है गुरमीत राम रहीम। पर ऑनलाइन सत्संग दौरान जिस ढंग नाल उस दे वल्लों यह अपमानजनक टिप्पणियां कीतियां गईआं सी उसे नूं लैके यह मामला दर्ज होया। गुरु रविदास ते भगत कबीर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कीतियां गईआं सी गुरमीत राम रहीम वल्लों।